Sir, in Bihar, BJP is of course very upbeat after the council results. But as far as if we talk just about the social engineering point of view, Nitish Kumar and Lalu Yadav, they say that we have been able to weave a kind of social engineering that is extremely formidable to beat and add Congress to that. बिहार के बारे में हम सब भी, अनुराधा जी, निशिकांत जी, सब लोग, हम सब लोग बिहार से हैं और बिहार के बारे, आप भी बिहार से हैं और बहुत सारे लोग इस यहाँ बिहार से. बिहार के बारे में जब चर्चा होती है तो लॉट ऑफ सिनिसिज्म देयर, लॉट ऑफ द वे वी थिंक अबाउट बिहार, देन वे वी टॉक अबाउट बिहार, देन वे वी टॉक अबाउट द होल सिचुएशन इन बिहार. यू सी लास्ट 67 ईयर्स व्हाट इज बिहार. बिहार फर्स्ट 35 ईयर्स वॉज विद द कांग्रेस, तो वहां सेकुलरवाद के नाम पर 35 साल की राजनीति हुई जो कांग्रेस का था. आफ्टर दैट देर वॉज 15 ईयर्स ऑफ लालू प्रसाद यादव हु डिड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन दैट स्टेट. सो पिछड़ा और अगले की राजनीति में 15 वर्ष हम लोगों ने वहां की सियासत खत्म कर दी. 15 वर्ष के बाद नीतीश कुमार आए तो उन्होंने एक स्टेज और आगे बढ़ करके पिछड़ा को भी अति पिछड़ा में बांट दिया और दलित को भी उन्होंने महादलित में बांट दिया. अब सवाल उठता है कि बिहार में अब कोई जात बचा ही नहीं है कि उसको आप फर्दर बांट सके. मतलब जो भी संभावनाएं थे वो हम लोगों ने उसको समाप्त कर दिया. ये देखना है कि इसके बाद भी कोई नेता ऐसा निकल के आता है कि जितना हम लोगों ने जातीय समीकरण को बांट करके राजनीति से अपना पेट भरा है, अभी भी कुछ बिहार में बचा है कि नहीं. मुझे लगता है कि अब शायद बिहार में इसके आगे कोई नहीं बचा है. मुसलमानों को भी हमने फॉरवर्ड मुस्लिम्स और बैकवर्ड मुस्लिम्स में बांट करके बिहार में वोट लिया है. सो दिस इज अ पीक ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार. पॉसिबली दिस टाइम आई फील बिहार हैज सीन एनफ एंड पॉसिबली आई बिलीव दिस टाइम एंड आई एम कन्विंस्ड बिकॉज मेरे पॉलिटिक्स साल निकल गया एंड लास्ट 25 ईयर्स एक्टिवली इज एन एमएलए इन बिहार एंड नाउ इन सेंट्रल पॉलिटिक्स फ्रॉम बिहार. आई फील एक पटना में जाने के बाद, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूंगा, कोई संदर्भ नहीं होता, बट दैट स्टेट हैज लॉस्ट आउट एंड वी जस्ट डिड पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 60 ईयर्स एंड नथिंग एल्स. सो नंदलेस आई कैन टेल यू विथ अ ग्रेट, मुझे विश्वास है बिहार इज हेडिंग फॉर अ बिग चेंज. और आई कैन टेल यू द पॉलिटिकल रीजन वाई बिहार इज हेडिंग फॉर अ बिग चेंज, बिकॉज द डे नीतीश कुमार डिसाइडेड टू पार्टनर विथ लालू यादव, दैट वॉज द डे द बीजेपी हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन बिहार. बिकॉज द एंटायर क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस जेंटलमैन हुज पॉलिटिकल बेस वॉज क्रिएटेड इन बिहार अगेंस्ट लालू यादव, द डे ही मेड अ कॉम्प्रोमाइज विथ लालू यादव, ही वॉज फिनिश्ड. एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड इन बिहार एंड पॉसिबली बिहार इज हेडिंग फॉर अ बिग चेंज. I think all of us in Bihar are working for it, and I think God should be kind with Bihar to give a change this time. That is what I wish. We wish you all the best for Bihar, and thank you very much.